फाइनली आज म्यूजिक सिस्टम भी अपग्रेड करवा ही लिया और इस बेस ट्यूब को लगाने के बाद तो कार पूरी डीजे ही बन गई। यह साउंड बैरियर का ओरिजिनल 10,000 रुपए वाला एम्प सिर्फ 2,000 रुपए में तो कहीं भी नहीं मिलेगा। लुक्स चेक करो भाई, आप अपनी ब्लैक म्यूजिक के क्या तगड़े लुक्स आ रहे हैं भाई। बहुत लाउड साउंड आ रहा है, बहुत दिल भी धक धक कर रहा है, बहुत तेज तेज। हे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में। तो भाई आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल आप देखकर समझ ही गए होंगे आज कौन सी वीडियो आने वाली है। आज हम करवाने जा रहे हैं भाई कुछ धूम धड़ाके वाला काम अपनी कार में। तो भाई फाइनली आज हम जा रहे हैं अपनी कार के म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड करवाने। हमने आज तक के म्यूजिक सिस्टम में कुछ भी नहीं करा, जैसी कार पहले से आई थी बिल्कुल वैसी ही है, कुछ भी अपडेट नहीं हुआ म्यूजिक सिस्टम में। जैसा कंपनी से आता है बिल्कुल सेम वही है, क्योंकि भाई मुझे म्यूजिक का ज्यादा शौक नहीं है। मेरी पहले वाली कार में मैंने लगवा रखी थी बेस ट्यूब, लेकिन इस वाली में मैंने नहीं लगवाई, क्योंकि यार बेस ट्यूब कुछ दिन के लिए तो अच्छी लगती है, उसके बाद वो सिर में चुभने लगती है। तो आज फाइनली अपना म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड करवाएंगे, बेस ट्यूब वगैरह लगवाएंगे और जिस जिस चीज की जरूरत होगी वो सब चीजें लगवाएंगे। मतलब कि आज पूरी तड़कती भड़कती साउंड कर देंगे अपनी कार की। अबे साले, बाकी बेस ट्यूब तो मेरे पास रखी है पहले की, तो हम बेस ट्यूब तो न्यू नहीं लेंगे भाई। ये वाली बेस हमारे पास पहले ही रखी थी, हमारी पहली वाली कार में लगी हुई थी, तो हमने उसमें से निकाल ली थी और ये अब यूज में आ रही है, तो हमने सोचा कि एक और बार इसे फिट करवाई जाए। बाकी इसमें 2 कॉइल्स मिलती है हमें, एक बेस की और एक साउंड की। और 2 कॉइल वाली बेस की तो भाई बात ही अलग होती है, जिसे पता है उसे पता होगा कि भाई 2 कॉइल वाली बेस कितनी ज्यादा साउंड करती है। और बाकी इसकी शेप चेक करो भाई, ये पूरा का पूरा पीछे मिल जाएगी अभी, और अभी इसे फिट करेंगे। और जहां तक बात रही इसे एम्प की, भाई ये एम्प है साउंड बैरियर कंपनी का, जो कि हमने अभी सेकंड हैंड खरीदा है। भाई न्यू की बात करें तो न्यू तो ये बहुत ही ज्यादा महंगा आता है, 10,000-12,000 रुपए का, लेकिन हमें ये बहुत सही प्राइस में मिल गया, सिर्फ 2,000 रुपए का मिल गया है हमें सेकंड हैंड। और भाई इतना हैवी एम्प है, मेरे इसे एक हाथ से उठ भी नहीं रहा है, रख देते हैं अभी से भाई, बहुत भारी है ये। समझ रहे हो तो बेस ट्यूब को भी चेक करवाना पड़ेगा, पता नहीं भाई चल भी रही है नहीं, बहुत टाइम से रखी है ये। और उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या सामान की और जरूरत पड़ेगी, वायर वगैरह की, और उसके बाद फिट करवाते हैं, चलिए जल्दी। तो भाई एक लिया ये वाली लीड, आरसी लीड, जो कि इसके अंदर स्टीरियो के अंदर खुलकर लगेगी। हमने इसके ऊपर से एंड्रॉइड स्टीरियो उतार दिया था, क्योंकि भाई हमारा वो टूट गया था, पैसा बर्बाद। अभी इसके लिए हम कुछ नया लेकर आएंगे भाई, और भाई उसे लगाकर कार का लुक बहुत ज्यादा मस्त हो जाएगा। बाकी तो भाई बेस लगाकर कैसा आने वाला है भाई, एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है? बढ़िया एक्सपीरियंस आएगा भाई। हेलो गाइस, आज हमारा शीला रखेगा बास ट्यूब। बेस ट्यूब भाई कैसी बजने वाली है? बेस ट्यूब तो JBL की है, देखो नाम ही ऊंचा है यार। JBL की नहीं है, ब्लाउ पंक्ट की है। अब भाई यहाँ पर इसमें कनेक्टर लगवाना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसमें जो स्टीरियो होता है इसका कंपनी वाला, इसमें कनेक्टर नहीं आते। और यह चेक कीजिए भाई, यहाँ पर आरसी लीड लगाने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इस वजह से इसमें कनेक्टर लगवाना पड़ेगा। एक क्या कॉस्ट रहेगी भाई कनेक्टर की? 250 रुपए कनेक्टर की कॉस्ट रहेगी भाई। और तोहिद भाई ने हमें पूरा का पूरा लूट लिया है आज। 200 रुपए की तार, और भाई कम से कम 250 रुपए की ये लीड। और ये चेक कीजिए भाई, ये आ गया है कनेक्टर, इसे लगने के बाद ही हमारी बेस चलेगी। तो बेस ट्यूब आज लगता है कुछ ज्यादा ही महंगी पड़ गई। तो रहने दो फिर। तो भाई ये पूरी की पूरी तीनों तार यहाँ से लेके पूरा पीछे तक के इनका कनेक्शन जाएगा, और काफी लंबी तार लेकर आए हैं हम, क्योंकि ये वाली ग्रीन वाली तार एम्प में लगेगी और ये वाली तार लगेगी बेस में, तो ये पूरी की पूरी तार पीछे जाएगी। इसका बैटरी से कनेक्शन होगा एम्पलीफायर का, तो ये भी आगे बैटरी से पूरी की पूरी पीछे जाएगी, और इसमें हमारी कोई भी वायरिंग काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ से एक तार छीला जाएगा, वो भी इस कनेक्टर को लगाने के लिए, और भाई वो भी मजबूरी है, अगर हमारे इस सेट में ये आरसी लीड लगाने का ऑप्शन होता तो हमें ये कनेक्टर भी ना लगाने पड़ते, बिल्कुल कपलर टू कपलर ही सारी की सारी फिटिंग होती। बाकी हुंडई की और सभी की सभी कार में ऐसी ही फिटिंग होती है, ये कनेक्टर लगाना पड़ता है। अब जो कार्स आ रही है, पहले के जो मॉडल्स है, उनमें कनेक्टर लगाना नहीं पड़ता, तो भी लगाते हैं भाई और दिखाते हैं कि कैसे कैसे होगा सारा का सारा काम। तो ब्लैक वाली तार को अभी यहाँ से निकाल कर ये पूरा का पूरा बैटरी में कनेक्शन हो जाएगा। बैटरी डाउन तो नहीं होगी भाई इससे? अगर प्रॉब्लम हुई तो कौन जिम्मेदार होगा? तुम जिम्मेदार हो गए। चलिए भाई, भाई ने गारंटी ले ली, हम जिम्मेदार हो गए, अब सारी टेंशन खत्म हो गई। तो भाई तीनों की तीनों वायर पर हमने टेप मार लिया, ताकि ये एक दूसरे से दूर ना हो, जुदा ना हो।
मतलब कि यार यहाँ पर काफी ज्यादा बुरी लगती है अगर हम टेप ना मारते तो। तीनों वायर पर हमने टेप मारकर अब इसकी आगे से वायरिंग पीछे पहुंचा रहे हैं, ये सारे के सारे पैनल खोलकर। और भाई एक पैनल ये खोल रखा है, अभी बाकी सारे के सारे पैनल खुलेंगे। तो वायरिंग डल गया है भाई पूरी की पूरी आगे से लेके पीछे तक के। और ये ब्लैक वाला तार तो भाई थोड़ा छोटा पड़ गया, ये वाला बैटरी से आ रहा है डायरेक्ट तार, और ये वाला एम्प के लिए, और ये वाला आरसी लीड। और हम बेस ट्यूब को अपनी यहाँ पर रखेंगे और एम्प भी इसके बराबर में ही रखवाएंगे। एक ऑप्शन था कि एम्प हम आगे भी रख सकते थे, लेकिन हमने एम्प आगे नहीं रखा, हमने सोचा कि एम्प यहीं रख लेते हैं, ये सारा का सारा बेस का हिसाब पीछे ही रह जाएगा। तो ये है भाई फ्यूज जो कि बेस ट्यूब में लगेगा आगे की साइड। ये फ्यूज किस काम आता है भाई? शॉर्ट सर्किट से बचाता है। ये फ्यूज भाई शॉर्ट सर्किट से बचाता है। मान लीजिए अगर कुछ भी कार में प्रॉब्लम होती है तो बेस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये फ्यूज उड़ जाएगा। और अगर आप इसके अंदर चेक कर रहे हो तो ये छोटी सी पत्ती टूट जाएगी, तो इस काम में आता है ये फ्यूज। बाकी मेन तो भाई को भी नहीं पता था, भाई ने भी भाई तुक्का ही भेड़ा। बात तो सही है। ये चेक करो भाई गाड़ी का लुक क्या तगड़ी लग रही है, गाड़ी इधर साइड से खड़ी हुई भाई। तो भाई जिसमें भी कंपनी का साइड होता है उसमें ये कनेक्टर लगाना ही पड़ता है, बाहर से ये कनेक्टर लगता है। और जिसमें बाहर वाले साइड होते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह उनमें ये कनेक्टर लगाना नहीं पड़ता, उनमें बेस का ऑप्शन आता है या आरसी वाली वायर लगाने का। तो अभी फिटिंग हमारी लगभग हो गई है कंप्लीट। कितना टाइम लग जाएगा भाई? और 20 मिनट। तो 20 मिनट में भाई आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे हम कि कैसी साउंड आ रही है कैसी नहीं। मुझे भी नहीं पता भाई अभी कैसी साउंड आएगी, क्योंकि बहुत टाइम से रखी है ये बेस हमारे पास। फाइनली आगे के कनेक्शन हो गया है पूरा, और ये आरसी लीड हमने इसमें कनेक्टर में जोड़ दिया है। और अभी पीछे के कनेक्शन करते हैं भाई, और उसके बाद एक बार बेस को चलाकर देखेंगे कि सही कनेक्शन हुए हैं या नहीं। अभी पीछे चलते हैं भाई आराम से उतर के, अभी सारी वायर्स का कनेक्शन करते हैं। अभी हम पीछे वाली बेस से और भाई इस वाले एम्प से, एम्प हम यहाँ पे रख देंगे और बेस उसे पीछे को लगा लेंगे। और फिर उसके बाद आपको इसकी साउंड सुनाएंगे कि मजा आ रहा है या नहीं। मजा आएगा क्या भाई? बहुत मजा आएगा भाई, भाई कह रहे हैं। एक अर्थ का तार लगाकर हमने इसका पूरा का पूरा कनेक्शन कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर सारे के सारे तार एम्प में लग गए हैं, और अब बस ये वाले दो तार बेस में लगने बाकी हैं। और फिर आपको इसका भाई फाइनल साउंड सुनाएंगे कैसी आएगी फाइनल साउंड। भाई फाइनली कनेक्शन हो गए सारे, और अभी इसकी बेस की सेटिंग करके आपको इसकी साउंड सुनाते हैं। आए आए आए। भाई बहुत तगड़ी बेस आ रही है, आपको पता नहीं भाई फील हो रही होगी या नहीं। तो भाई फाइनली काम निमट गया, और बेस सुनी होगी भाई बहुत ही तगड़ी बेस आ रही है। मैंने सोचा था कि भाई पुरानी रखी है पता नहीं कैसी चलेगी कैसी नहीं, लेकिन भाई वो बोलते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, तो भाई पहले की बेस में मजा ही आ गया कसम से। अब देखते हैं भाई कितने दिन का शौक रहेगा, क्योंकि पहले भी मैंने थोड़े दिन लगा के निकाल दी थी पहले वाली कार में। तो भाई और हमें क्या काम करवाना चाहिए आप प्लीज कमेंट में जरूर बताना। बाकी ये वीडियो यहीं तक ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।